पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं की बेरहमी से हुई पिटाई के मामले में ममता सरकार एक बार फिर निशाने पर आ गई है। बताया गया कि उत्तर प्रदेश में बरेली के रहने वाले ये साधु मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर में स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन पुरुलिया के काशीपुर इलाके में जब वो रास्ता पूछने के लिए रुके तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। साधु कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहां सैकड़ों की तादाद में भीड़ जुट गई, जिन्होंने गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस बीच भीड़ ने गाड़ी में बैठे साधुओं को घसीटकर बाहर निकाला और फिर बेरहमी से उन्हें पीटने लगे। वहीं भीड़ में शामिल एक महिला साधुओं की चप्पल से पिटाई करती नजर आई। साधु किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महिला ने दौड़ा दौड़ा कर साधुओं को पीटा। वहीं गुस्साई भीड़ ने एक साधु के कपड़े फाड़ दिए और बीच सड़क पर उसे पीटते रहे। भरे बाजार, साधु की निर्वस्त्र पिटाई होती रही, लेकिन कोई रोकने नहीं आया। भीड़ ने साधुओं की गाड़ी को भी निशाना बनाया, पहले उसमें तोड़फोड़ की और फिर उसे पलट दिया। इस दौरान साधु हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगाते रहे, लेकिन डंडे बरसा रही भीड़ नहीं रुकी। इस बीच सूचना मिलते ही कुछ पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, जिन्होंने किसी तरह भीड़ से उन साधुओं को बचाया और अपने साथ थाने ले गए, जहां साधुओं ने पुलिस को अपने साथ हुई दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी दी और बताया कि किस तरह से बेकाबू भीड़ ने बेरहमी से उनकी पिटाई की। इस बीच बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित साधुओं से मुलाकात की। ज्योतिर्मय सिंह ने इस दौरान साधुओं को शॉल पहनाई और पैर छूकर उनका सम्मान किया, साथ ही पुलिस से भी सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि रास्ता पूछने के दौरान वहां तीन लड़कियां गलतफहमी का शिकार हुई और इलाके के लोगों ने हमला कर दिया। ड्यू टू द लैंग्वेज पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, ये लड़की लोग सोचने लगी कि ये उनको कोई पीछा कर रहा है या कुछ कर रहे हैं, तो ये यूएन क्राइम क्या, तो लोकल पब्लिक आ गई और उनको घेर के गोरांगी का जो दुर्गा मंदिर का पास उन लोगों को लेके गया, गाड़ी को वैंडलाइज किया एंड इनको साधु लोगों को मैन हैंडल किया। वहीं पीड़ित साधुओं ने आरोपों को सिरे से नकार दिया। अगर पुलिस 2 मिनट या 5 मिनट नहीं पहुंचती तो हमको जान से मार देती पब्लिक, न महिलाओं से कोई बात हुई है। फिर महिलाएं थाने आई हुई माफी मांगने लगी कि हमसे गलती हो गई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने भाषा का विवाद बता करके मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से साधुओं की बेरहमी से पिटाई हुई है उससे पुलिस के दावे पर भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि जिन महिलाओं के बयान को आधार मानकर इस घटना की वजह गलतफहमी बताई गई, उन महिलाओं ने भी साधुओं से माफी मांगी। इस बीच भीड़ के हमले का शिकार हुए साधु सुबह मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, जहां लोगों ने शॉल पहनाकर और पैर छू करके उनका सम्मान किया और जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान पीड़ित साधुओं ने आपबीती सुनाई और आरोपियों पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। जैसे हम जा रहे थे गंगा सागर के लिए, रास्ते में अचानक गाड़ी को रोका, हम लोगों के साथ में धक्का मुक्की की और मारपीट की और गाड़ी को तोड़फोड़ कर। इस बीच भीड़ में शामिल हमले के 12 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान मीडिया ने उनसे हमले की वजह जानने की कोशिश की तो वो जवाब देने से बचते नजर आए। वहीं पुलिस ने साधुओं को हर संभव मदद का भरोसा देने के साथ ही कड़ी कार्रवाई का दावा भी किया। पश्चिम बंगाल की पुलिस भले ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का दावा करे, लेकिन साधुओं को जिस तरह से निर्वस्त्र करके बेरहमी से उनकी पिटाई सरे बाजार में की गई है, उससे संत समाज बेहद नाराज हो गया और इस पूरी घटना के लिए ममता बनर्जी को ही जिम्मेदार बताया। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने आरोप लगाया कि बंगाल में हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा। मुमताज खान जो है वो ममता बनर्जी हैं इस समय, मुमताज खान नहीं वो पहले, तो उनकी दृष्टि मुसलमानी की ओर है। भगवान रूप कहीं देख लिया तब तो और उनको क्रोध आता है, नाराज होती हैं और इसीलिए वो आक्रमण कराती, स्वयं मुख्यमंत्री की देन है।
वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने ममता बनर्जी को चेतावनी दी कि अगर हिंदुओं पर हमले नहीं रुके तो जनता इसका हिसाब करेगी। वहां के मुख्यमंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार से साधुओं के ऊपर हमले हो गए, देख लो महाराष्ट्र में साधु के ऊपर इस प्रकार से हमले हुए, वहां की सरकार चली गई, ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी सरकार चली जाए। संतों ने आरोप लगाया कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हिंदुओं पर जानबूझकर अत्याचार कर रही है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हुई इस घटना को बीजेपी ने 2020 में पालघर में हुई घटना जैसा बताया, जहां कुछ साधु भीड़ की पिटाई का शिकार हुए थे। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने साजिश के तहत हमले को अंजाम दिया, क्योंकि ममता सरकार हिंदू विरोधी है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भगवा रंग से ममता को तकलीफ है। ममता जी के राज में हमारे साधुओं की वहां पर पिटाई हो गई, उनको पता नहीं सैफरन कलर से भगवा कलर से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, और ये तब तकलीफ हो रही है जब सारा देश राममय हो रहा है, ये भी हमको समझ में आया। बीजेपी ने टीएमसी पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया। अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टिकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रहे। साधुओं की पिटाई पर बीजेपी ने सख्त कार्रवाई की मांग भी की। पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में धू धू करके जल रहा है, और इसके लिए जो भी दोषी हैं वहां की सरकार को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। यूपी के बरेली के रहने वाले ये साधु गंगा सागर स्नान करने के लिए जा रहे थे, जिसमें पिता, उनके दो बेटे, एक सहायक और एक ड्राइवर भीड़ के हमले का शिकार हुए। हिंदुओं पर हमला और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरा तो पलटवार करने में टीएमसी नेताओं ने भी देरी नहीं की। टीएमसी ने बीजेपी पर ही लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा दिया। साथ ही इस बात का दावा भी किया गया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाए गए हमले के आरोप भी गलत है। टीएमसी नेता कृणाल घोष ने बीजेपी नेता अमित मालवीय को सोशल मीडिया पर हमले का वीडियो शेयर करने और घटना को पालघर से जोड़ने पर घेर लिया। ये चला आया बंगाल को थोड़ा बेसलेस टोटल फॉल्स एलिगेशंस देने के लिए। टीएमसी ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। दोनों तरफ केस दर्ज हुआ है, पुलिस इस विषय को देख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा की तरह गुमराह करने की कोशिश करती है। टीएमसी ने साधुओं पर हमले के आरोपियों पर कार्रवाई का दावा भी किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के देश भर में उत्सव का माहौल है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जेल में बंद कैदी भी राम मंदिर उत्सव को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो भी दिन रात मेहनत कर भगवान राम के स्वागत के लिए राम पताका तैयार कर रहे हैं, जो तैयार होने के बाद अयोध्या भेजी जाएंगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अक्षत यात्रा निकाली गई। इस दौरान यात्रा में शामिल सभी राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बक्सर के राम रेखा घाट से गंगा जल लेकर के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे अयोध्या के लिए रवाना हुए। बक्सर का अभ्युदय रथ गंगा जल लेकर के अलग अलग जगहों पर होते हुए 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगा। ओडिशा के अंगुल जिले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान वो मंदिर परिसर में पोछा लगाते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नासिक में रामलला के आगमन पर देश के सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान किया था। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर सियासत तेज हो गई। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने की मांग की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ऐसे में 22 जनवरी को भी अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति के हाथों होनी चाहिए। हम तो चाहते थे या चाहते हैं आज भी वैसे ही वहां अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा होना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने शंकराचार्य के मुद्दे को भी उठाया। ठाकरे ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा पर शंकराचार्य से मशवरा करना चाहिए था। शंकराचार्य जी जिसको हम मानते हैं, शंकराचार्य मानते हैं, उनकी सलाह लेने की आवश्यकता थी और आज भी अगर हो सके तो लेनी चाहिए। दरअसल शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना की थी और पंचवटी से प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन के विशेष अनुष्ठान की शुरुआत की थी।
इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष अनुष्ठान शुरू किया तो शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख ने भी बड़ा फैसला किया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उद्धव ठाकरे नासिक के कालाराम मंदिर में ही पूजा करेंगे और गोदावरी नदी की आरती में शामिल होंगे। नासिक में जाएंगे और नासिक में कालाराम मंदिर जो है वहां जाकर प्रभु रामचंद्र सीता माई का दर्शन करेंगे और उसी शाम जो गोदावरी नदी है वहां से कुछ मिनट 4-5 मिनट पर की दूरी पर है तो वहां जाकर हम शाम को आरती करेंगे। साथ ही उद्धव ठाकरे ने नासिक के कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति को शामिल होने का न्योता भेजा। हम तो दिल से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित करने जा रहे कर रहे आपके माध्यम से एक आमंत्रण दे रहे और हमारे सांसद है और जो भी मतलब सांसद है नेता है वो वहां जाकर उनको ठीक से आमंत्रित भी करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले नासिक के मंदिर में पीएम का दौरा काफी अहम है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए देश भर के वीवीआईपी लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। वहीं इस समारोह के लिए देश की प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने राष्ट्रपति मुर्मू को निमंत्रण पत्र दिया। निमंत्रण देने के बाद आलोक कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति ने निमंत्रण मिलने पर खुशी जताई है और वो अयोध्या आने के लिए जल्द समय तय करेंगी। दरअसल विपक्षी दल राष्ट्रपति को प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण को लेकर के मुद्दा बना रहा था और सरकार पर निशाना साध रहा था। राम मंदिर उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित हजारों लोग शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के तौर पर शामिल होंगे जिसके लिए प्रधानमंत्री ने शुक्रवार से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू किया है। इधर विपक्ष लगातार प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि पूरा कार्यक्रम धर्म शास्त्र के मुताबिक नहीं हो रहा जिससे चारों पीठों के शंकराचार्य नाराज हैं, तो वहीं साधु संत इसे कांग्रेस की बहानेबाजी बता रहे हैं। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बीजेपी को घेरा। गहलोत ने कहा कि ये पूरा कार्यक्रम राजनीतिक है। अगर शंकराचार्य देश के ये बात कह रहे हैं उसका अपना महत्व है। इस तरह कंट्रोवर्सी पैदा होने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, ज्यादा बेहतर रहता। इधर अयोध्या के साधु संत विरोधी दलों के कार्यक्रम में नहीं आने को लेकर के नाराज हैं। रामलला के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का कहना है कि ये विरोधी दलों की बहानेबाजी है जबकि पूरा समारोह धर्म शास्त्र के मुताबिक हो रहा है। यह जो कह रहे हैं कि बहाना बनाना है न आने के लिए कि साथ सम्मत नहीं है इसलिए हम नहीं जाएंगे और शास्त्र के अनुकूल ही जितने भी कार्य हो रहे हैं वो शास्त्र के अनुकूल और शास्त्र ही प्रमाण है। दरअसल कांग्रेस समेत कई विरोधी दल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का फैसला कर चुके हैं। विपक्ष का तर्क है कि ये पूरा कार्यक्रम धर्म शास्त्र के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो विरोधी दल प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भले ही शंकराचार्यों की नाराजगी को मुद्दा बना रहे हैं लेकिन शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने मतभेद की खबरों को खारिज किया। तो वहीं निमंत्रण ठुकराने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सनातन विरोधी रही है। जिन लोगों ने बाबर की मजार पर माथा टेका वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। निमंत्रण ठुकराने को लेकर स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस की वजह से रामलला टेंट में थे लेकिन जब भव्य मंदिर बन गया तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। जब तक रामलला टेंट में विद्यमान थे तब तक कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं थी। आज भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इसलिए कांग्रेस के नेताओं का कलेजा फटता है। चारों शंकराचार्यों में मतभेद है श्री राम मंदिर को लेकर, आपको किसने कहा? गलत प्रचार है। साथ ही स्मृति ईरानी ने 22 जनवरी को सभी से अपने घरों में दीपक जलाने की अपील की। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला तो पूरा किन्नर समाज खुशी से झूम उठा। निमंत्रण मिलने की खुशी में किन्नरों ने जश्न मनाया और भजन कीर्तन के साथ डांस करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। निमंत्रण मिलने पर महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ओतप्रोत है। उन्होंने इस निमंत्रण को सपना पूरा होने जैसा बताया।
मैंने कभी सपना भी नहीं सोची थी ये एकदम अचानक ये सारी चीज हो रही है। तो किन्नर समाज के लिए संविधान में तो जगह मिली रही है, अब हम लोग को धार्मिक कार्य में भी हम लोग को स्थान मिल रही है। किन्नर अखाड़े के प्रमुख से भी ज्यादा खुश उनके अनुयायी दिखे। इन लोगों ने मिलकर भगवान राम के लिए विशेष सोहर भी बनाया है। रामलाला को बधाई देने जाऊंगी, वहाँ पे उनको गाना सुनाऊंगी। सोहर अभी आप लोग ने सुना कि सोहर हम लोग ने राम भगवान के प्रति एक सोहर बनाए हैं, वो सोहर वहाँ पे हम लोग डेडिकेट करेंगे राम भगवान के लिए। कौशल्यानंद गिरी किन्नर समाज की पहली किन्नर हैं जिन्हें यह निमंत्रण मिला। उन्होंने बताया कि कलयुग में किन्नरों को भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त है। रामचरितमानस में भी किन्नर समाज का जिक्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही पूरे देश का माहौल राममय हो गया है, इसे इस बात से समझा जा सकता है। दरअसल पूरे देश में श्री रामचरितमानस की मांग बहुत तेजी से बढ़ गई है, और ऐसा हुआ तो श्री रामचरितमानस के लिए बीते 50 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया, क्योंकि श्री रामचरितमानस छापने वाले गीता प्रेस में पहली बार स्टॉक खत्म हो गया है। आमतौर पर गीता प्रेस हर महीने श्री रामचरितमानस की करीब 75,000 कॉपियां छापता है, और देश भर से मांग के बावजूद हर महीने इसकी कुछ कॉपियां बची रह जाती थी, लेकिन इस बार श्री रामचरितमानस का स्टॉक खत्म हो चुका है। ऐसा तब हुआ जब लोगों की मांग पर 75,000 की जगह श्री रामचरितमानस की 1,00,000 कॉपियां छापी जाने लगी, और बताया गया कि इस वक्त देश भर से हर महीने श्री रामचरितमानस की करीब 1,50,000 कॉपी की मांग है। श्री रामचरितमानस के अलावा सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की भी मांग बढ़ गई है। हाल यहां यह है कि बीते 3 महीनों में हनुमान चालीसा की 13,50,000 कॉपियां छपी, लेकिन अब हनुमान चालीसा का स्टॉक भी खत्म होने वाला है। दिल्ली में ठंड ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन सर्दी की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई, वहीं तापमान गिर करके 3.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। घने कोहरे के चलते दिल्ली की तरफ आने वाली 18 ट्रेनें देरी से चली। मौसम विभाग ने दिल्ली में ठंड और घने कोहरे के हालात को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में ताजा बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आई, तो वहीं श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। तापमान गिरने से पीने का पानी भी जमने लगा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई से गुवाहाटी जाने वाली एक फ्लाइट को खराब मौसम के चलते बांग्लादेश के ढाका में लैंड कराया गया। गुवाहाटी में घने कोहरे के चलते पायलट को लैंडिंग में दिक्कत हुई, जिसके बाद विमान को डायवर्ट कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के जालौन में घने कोहरे के कारण कोचिंग पढ़ने जा रही हाई स्कूल की 2 छात्राएं रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गईं, जिसमें एक छात्रा की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथी बार समन भेजा। ईडी ने केजरीवाल को 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया, मगर इस बार भी केजरीवाल के पेश होने पर सस्पेंस है, क्योंकि केजरीवाल 18 से 20 तारीख तक लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए गोवा में रहेंगे। इधर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल का गोवा दौरा फाइनल होने के बाद जानबूझकर 18 तारीख का समन भेजा गया। 18, 19, 20 3 दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री गोवा के दौरे पर होंगे, और आज मीडिया में खबर आती है कि 18 तारीख के लिए ईडी ने नोटिस जारी कर दिया। कांग्रेस ने भी समन की टाइमिंग पर सवाल उठाया और इसे INDIA गठबंधन की बैठकों से जोड़ा। जब इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं, सीट शेयरिंग की बात चल रही है, और जिस तरीके से उस बीच में बार बार ईडी नोटिस भेज रही है, इसी को राजनीतिक प्रसोद विद्वेष कहते हैं। शराब घोटाले में ये केजरीवाल का चौथा समन है। इससे पहले 3 बार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, मगर वो नहीं आए। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन भेजा। ये समन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजा गया, और चौथे समन में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 18 जनवरी को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा। इससे पहले 3 बार तलब किए जाने के बावजूद केजरीवाल एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। सबसे पहले ईडी ने उन्हें पिछले साल 2 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। जब वह पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे, तब उन्हें दूसरा समन भी जारी किया गया। वो समन 21 दिसंबर को जारी किया गया, बुलाया गया था, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के दूसरे समन को भी नजरअंदाज किया, जिसके बाद ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को तीसरा समन भेज करके इसी साल 3 जनवरी को बुलाया, लेकिन
अरब केजरीवाल तीसरी बार भी पेश नहीं हुए तो अब चौथा समन भेज करके उन्हें 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अगर केजरीवाल ने चौथे समन को भी नजरअंदाज किया तो उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगेगी, क्योंकि ईडी के तीन समन को नजरअंदाज करने के बाद ही गैर जमानती वारंट जारी करने का रास्ता खुल जाता है। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है। आरोप है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने संबंधित दिल्ली सरकार की 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी में घोर खामियां थी और आरोपों के मुताबिक इसके जरिए घूस लेकर के कुछ डीलर का पक्ष भी लिया गया था। ईडी का दावा है कि एक्साइज पॉलिसी की अनियमितताओं की वजह से सरकारी खजाने को 2873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। विपक्ष के INDIA गठबंधन में आज काफी हलचल रही। दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिलने पहुंचे थे मल्लिकार्जुन खड़गे से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे केजरीवाल ने, उनसे मुलाकात की, फूलों का गुलदस्ता लेकर के पहुंचे हुए थे, उनका सम्मान किया। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। केजरीवाल के साथ आप सांसद राघव चड्ढा और पंजाब के पूर्व डिप्टी CM और कांग्रेस नेता सुखजिंदर रंधावा भी मौजूद थे। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। तो सूत्रों की माने तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में चार राज्यों में लोकसभा सीट पर बंटवारे को लेकर के चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी दिल्ली में लोकसभा के 7 सीटों में से 3 सीट चाहती है, वहीं पंजाब में आप लोकसभा की 13 में से 10 सीट की मांग कर रही है। दिल्ली से सटे हरियाणा की बात करें तो आप वहां लोकसभा की 10 सीट में से 3 सीट चाहती है। गुजरात पर भी बात हुई है और सूत्रों की माने तो आप गुजरात में 26 सीटों में से 3 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं गोवा को लेकर भी चर्चा हुई, आपने गोवा की 2 में से 1 सीट पर चुनाव लड़ने की मांग की है। तो इससे पहले विपक्षी गठबंधन INDIA की वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया और उन्होंने कांग्रेस से ही किसी को चेयरमैन बनाने की बात कही। JDU नेता और बिहार सरकार मंत्री संजय झा, जो कि नीतीश के साथ बैठक में शामिल थे, उन्होंने इसकी जानकारी दी। मंत्री जी का था कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए। अब जबकि नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है, इसीलिए सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन बन सकते हैं, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार किया, इसीलिए क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को INDIA गठबंधन का अध्यक्ष बना दिया गया और अध्यक्ष पद संयोजक के पद से बड़ा होता है, इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश शायद मन ही मन कमतर पद लेने के इच्छुक नहीं थे। लेकिन नीतीश के इनकार के बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। पूर्व CM और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने नीतीश पर तंज कसा। अब किसी को राजा बनाने का सपना दिखा करके सेनापति बना दीजिएगा तो वो काहे सेनापति बनेगा, जवाब तो लालू जी को देना चाहिए कि आखिर वो नीतीश जी के साथ ऐसा काहे किए। अच्छा भला आदमी को सपना दिखा करके कैसा बना दिया है सब, हम बहुत दुखी हैं। बिहार की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, उम्मीदवार तो बना ही नहीं रहा है। इस इंडी गठबंधन में क्या क्या करिश्मा होता है इसको जानने के लिए एक SIT बैठानी पड़ेगी ना। बिहार में अब सबकी नजर नीतीश कुमार पर है कि वो INDIA गठबंधन को लेकर के अगला क्या कदम उठाते हैं। तो एक तरफ नीतीश कुमार ने INDIA गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर दिया तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक TMC ने दलील दी है कि बैठक की जानकारी काफी देर से मिली, जबकि ममता बनर्जी का कार्यक्रम पहले से ही तय था। ममता के बैठक में शामिल नहीं होने पर कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने की मांग को लेकर भी ममता खुश नहीं थी। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर ममता ने पहले से ही कांग्रेस से दूरी बना रखी है, वो कांग्रेस को बंगाल में सिर्फ 2 सीट देने पर अड़ी है। कत बड़ बेईमान से महिला, कत बड़ तर औदत्त जे जाना ताके রাজনীতিতে মানুষ করেছে, ঔদ্ধত্য অহংকারের প্রতিফলন এখানেই যে তাদেরকে বলছে ফোন করতে, মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। সোনিয়া গান্ধী ফোন করবে। जिस तरह अधीर रंजन ममता पर निशाना साध रहे हैं उससे साफ है कि TMC और कांग्रेस के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है।
लेकिन INTIA गठबंधन आज शामिल हुए दल ममता, अखिलेश और नीतीश की नाराजगी की खबरों को गलत बता रहे हैं। दरअसल वर्चुअल बैठक के बाद NCP अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि गठबंधन में संयोजक की जरूरत नहीं है और दावा किया कि INTIA गठबंधन के अंदर कहीं कोई नाराजगी नहीं है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने इशारों में मांग की है कि नीतीश कुमार को गठबंधन के अंदर अहम पोजीशन देनी चाहिए। जैसे जैसे आगे हमारी मीटिंग्स बढ़ती जाएंगी, हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी और भी बड़े नेता अपनी अपनी भूमिका स्पष्ट करते जाएंगे तो इंडिया गठबंधन को फायदा ही होगा। वहीं झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर के दिल्ली में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर JMM डेलीगेशन के साथ बैठक हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। 28 दलों के इस गठबंधन में सिर्फ 9 पार्टियां ही वर्चुअल बैठक में शामिल हुई। अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे भी बैठक में शामिल नहीं थे। 2 घंटे चली बैठक में सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सहयोगी दलों के शामिल होने को लेकर भी बात हुई। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव, बिहार के CM नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और डी राजा, NCP नेता शरद पवार और DMK की तरफ से तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन शामिल हुए। और इस बीच BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने विपक्ष के गठबंधन पर जोरदार हमला किया। दिल्ली में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नमो मतदाता सम्मेलन में उन्होंने विपक्ष को घबराया हुआ बताया और कहा कि विपक्ष कंफ्यूज है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये इंडिया अलायंस के दो ही एजेंडा है, एक एजेंडा है परिवार बचाओ और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग करे ना करे हमारा क्या फर्क पड़ता है, हमें तो चुनाव लड़ना है, जीतना है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी BJP पर पलटवार किया। NDA भी तो एक अलायंस है 38 पार्टीज का, NDA के बारे में क्यों चर्चा नहीं होती, सीट शेयरिंग की बात क्यों नहीं होती, किसके साथ हो रही है किसके साथ नहीं हो रही। ब्रिटिश उच्चायुक्त की POK यात्रा पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। भारत सरकार ने ब्रिटिश उच्चायुक्त जैन मैरियट का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की यात्रा पर अपना विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का इस तरह का उल्लंघन पूरी तरह से अस्वीकार्य है। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में कोई भी बड़ा मसला भारत से सलाह मशवरा किए बिना तय नहीं होता। साथ ही उन्होंने भारत और चीन के संबंधों पर कहा कि पिछले 3 साल से खराब रिश्ते के लिए बीजिंग खुद जिम्मेदार है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ED ने एक बार फिर समन भेजा है। इससे पहले उन्हें 7 बार समन भेजा जा चुका है लेकिन वो ED के सामने पेश नहीं हुए। ED ने चिट्ठी में साफ कहा है कि इस बार या तो CM खुद पेश हो नहीं तो ED के अधिकारी उनसे पूछताछ के लिए खुद उन तक पहुंचेंगे। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए हैं। विलियम लाई ने जीता राष्ट्रपति का चुनाव। ताइवान के अगले राष्ट्रपति होंगे लाई। ताइवान में चीन विरोधी पार्टी की बड़ी जीत। ताइवान में शी जिनपिंग की करारी हार। चीन जिनपिंग के धुर विरोधी है विलियम लाई। हमास का समर्थन और इसराइल की मुखालफत करने वाले हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया। पश्चिमी देशों की भौंहें तन गई, जिसके बाद लगातार दूसरे दिन हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला किया गया। इस बार अकेले अमेरिकी सेना ने हूती विद्रोहियों पर हमले को अंजाम दिया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यमन में हूती विद्रोहियों के रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया जिसके जरिए वो लाल सागर में लगातार मिसाइलें दाग रहे थे। इसके अलावा अमेरिकी फौज ने यमन में हूती विद्रोहियों के 30 ठिकानों को निशाना बनाया। राजधानी सना में अल दैलामी एयरबेस पर भी हमला किया गया। ये हमला USS कार्ने जहाज में लगी टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइलों से किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिकी और ब्रिटिश वायुसेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन में यमन की राजधानी सना और 4 शहरों में हूती विद्रोहियों के 73 ठिकानों को निशाना बनाया था। अमेरिका की ओर से किए गए ताजा हमले के बाद लाल सागर में युद्ध की संभावनाएं और ज्यादा प्रबल हो गई हैं। हूती विद्रोहियों पर सुपर पावर अमेरिका ने धावा बोल दिया।
तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि अगर हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाना बंद नहीं किया तो उन पर फिर से हमले किए जाएंगे। हालांकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की ओर से यमन में हूती विद्रोहियों पर हमलों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को परेशान कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने हमले रोकने की अपील की, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र संघ की चिंता से वाकिफ होने के बावजूद अपने रुख पर कायम नजर आए। और यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और ब्रिटेन ने इन हमलों को न्याय संगत करार दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ही किए गए। इसके लिए ब्रिटेन ने यूएन चार्टर्ड के आर्टिकल 51 का हवाला दिया, तो वहीं अमेरिका ने भी यूएन चार्टर्ड के आर्टिकल 51 के तहत इसे आत्मरक्षा में किया गया हमला करार दिया। इस बीच हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर अमेरिका और उसके सहयोगियों को धमकी दी। हूती विद्रोहियों ने कहा है कि वो दुश्मनों को बख्शेंगे नहीं।